हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीड एकेडमी और मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी हम अपना चैप्टर 10 क्लास ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं और 8.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम 8.2 का क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। और जिस भी बच्चों ने नहीं देखा है वो इसी सीड एकेडमी की प्रीवियस वीडियोस पे जाकर अपना ये चैप्टर देख सकते हैं। तो बच्चों, देर ना करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि जो 10A है वो बराबर है 1/3 के, 10B इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है 10 की फॉर्म में जो ये बोलता है कि 10A plus B is equal to 10A plus 10B upon 1 minus 10A 10B। और आपको शो दैट करना है कि जो एंगल A plus B है अगर उन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो वो 45 डिग्री के बराबर होने चाहिए। तो इन दिस केस ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है बेटा, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका 3 नंबर्स मार्क्स का क्वेश्चन ये रहेगा आपके 10th क्लास में। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्यादातर अभी तक हम जितने क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब एक तरफ आइडेंटिटी दी हुई है और दूसरी तरफ कॉन्स्टेंट वैल्यू दी हुई है, तो आप उस आइडेंटिटी में चेक कीजिए कि उसकी ट्रिग्नोमेट्री टेबल में उसकी वैल्यू उस कॉन्स्टेंट पे कब आती है। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो 10A की अगर बात की जाए, 10A जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसमें 1/3 आता ही नहीं है, कोई भी टेबल में 1/3 की वैल्यू ही नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर ऑलरेडी जो वैल्यू दी हुई है बेटा वो 10A और B की फॉर्म में दी हुई है, इसलिए यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहां पर भी आपको 10A की वैल्यू दी हुई है वहां पर आप 1/3 पुट करेंगे, और जहां पर 10B की वैल्यू दी है वहां पर आप 1/2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी 10A है जो मैं लिखती हूँ 1/3 प्लस आपका 1/2, डिनोमिनेटर में हो जाता है आपका 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आप एलसीएम ले लेते हैं तो 6 आ जाता है, 2+3 ऊपर हो जाता है आपका और नीचे आपका 1/6 हो जाता है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो बेटा आपका 5/6 हो जाता है, नीचे आपका 6 माइनस 5 हो जाता है, ठीक है, सॉरी 6 माइनस 1 हो जाता है, और यहाँ पर आपका 5/6 इंटू 6/5 हो जाता है। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और 6 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका आंसर क्या आया, 1 आ गया। यहाँ पर ऑलरेडी अगर इसको राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व करती हूँ तो मैं लास्ट में यहाँ पर पहुंचती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पर ऑलरेडी 10 A plus B जो है बेटा आपका किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आपको पता है 10 A plus B जो है 10 की टेबल में 1 की वैल्यू कब आती है, 45 पे आती है। तो मैं 1 के बदले क्या लिख सकती हूँ, 10 45 डिग्री लिख सकती हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 10 45। ठीक है, तो 1 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 45 में कर दिया। अब ये जो 10 होता है 10 से 10 कैंसिल करके हम लोग सिर्फ किसको कंपेयर करते हैं, एंगल्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A plus B is equal to 45 डिग्री, और आपको यही तो प्रूफ करना था आपके क्वेश्चन में, क्या था कि शो दैट किसको करना है कि एंगल A और एंगल B का अगर समेशन किया जाएगा, अगर उन दोनों को टोटल किया जाएगा दोनों एंगल्स को, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया है, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा बेटा, अगर ये आता है तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर है 23, सेम है सीबीएसई बुक है आपकी एनसीईआरटी की क्लास 10 और क्वेश्चन नंबर आपका है 23। यहाँ पर आपका दिया है जो 10A है बेटा वो है 1/√3 के बराबर दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है जो आपका एंगल C है वो आपका एक राइट एंगल बोला गया है कि यहाँ पर 10A आपका 1/3 है, एंगल C आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बोला गया है कि जो एंगल C है वो क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल मीन्स आप समझ गए हैं कि राइट एंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ पर हमें क्या है, डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है, और अब जो उसने बोला है कि जो शो दैट आपको करना है वो करना है साइन ए, शो दैट में आपको लिखना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू 1। तो आपको ये क्या करना है, प्रूफ करना है।
आपको ये प्रूव करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी देख रहे हैं बेटा, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने एंगल्स आ रहे हैं, यहाँ पे 1, 2 और 3 एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए भी है, बी भी है और सी एंगल जो है आपका 90 डिग्री है। सी एंगल की हमारी यहाँ पर जो अगर इक्वेशन की बात करें तो हमारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एंगल बी को निकालने में हमारी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ये जानते हो कि जो अभी क्वेश्चन में है कि उसने क्या बोला है कि जो ए बी सी है वो क्या है, एक ट्राइंगल है। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आपको पता है कि टेन ए जो है वो किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेन ए की वैल्यू पे, टेन की आइडेंटिटी में 1/√3 की वैल्यू कब आती है, टेन 30 पे आती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ टेन 30 डिग्री हो गया बेटा ये, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है वो कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये A आपका क्या मिला बेटा, 30 डिग्री मिला है आपको, कितना मिला 30 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल A जो हो गया वो आपका 30 डिग्री हो गया, C आपका 90 डिग्री हो गया, तो आप B निकाल सकते हो, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन में, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C अगर किसी भी ट्रायंगल की बात करें तो उसके तीनों एंगल्स का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री होता है, इट्स कंपलसरी, ये हम ऑलरेडी पहले क्लासेस में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर एंगल ए हमारा ऑलरेडी क्या है, 30 डिग्री है, एंगल बी हम लोगों को पता नहीं है और एंगल सी आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका हो जाता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 90 प्लस 30 120 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल बी आपका कितना निकल गया यहाँ पर, 60 डिग्री, क्लियर है। तो एंगल बी भी आपका पता चल गया, अब हम लोगों को सारे एंगल पता चल गए हैं, एंगल ए हमारा कितना निकला है, यहाँ पर मैं मिटा के लिख देती हूँ, यहाँ पर बेटा एंगल ए हमारा, यहाँ पर ए की बात करते हैं तो ए हमारा क्या हुआ, 30 डिग्री हो गया है, अब एंगल आपका सी 90 डिग्री है और एंगल बी आपका कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि एंगल कितना एंगल है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया, उसके बाद हम लोग अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं, जो उसने आपको एक इक्वेशन दी है शो दैट करने के लिए। ये क्वेश्चन भी बेटा 3 नंबर में आएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम लोग चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए, तो साइन क्या है बेटा, साइन तो साइन रहेगा, A के बदले हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, क्योंकि A की वैल्यू, A एंगल कितना है, 30 डिग्री है। उसके बाद अगर हम cos की बात करते हैं तो cos B आपका कितना पड़ता है, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री, प्लस cos C की बात, cos A की बात करते हैं तो cos A आपका फिर से कितना है, 30 डिग्री, और अगर sin B की बात करते हैं तो sin B आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं नहीं कर सकते है? तो आपको पता है कि जो साइन 30 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और आपकी जो कॉस 60 की वैल्यू होती है वो भी आपकी क्या होती है, 1/2 होती है, होती है या नहीं होती है, क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्लियर हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। और आपकी जो कॉस 30 की वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, √3/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2 होती है। तो यहाँ पर हो गया 1/4, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है, तो ऊपर आपका 3 आ गया और नीचे आपका 4 आ गया। आपने एलसीएम ले लिया, कॉमन है 4, 1 प्लस 3 हो गया आपका, तो ऊपर 4/4 इज इक्वल टू आपका 1 हो गया। तो आप ऑलरेडी देख रहे हो कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी किसके बराबर हो गई, LHS किसके बराबर हो गए, राइट हैंड साइड के बराबर हो गए, और ये आपने अपने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया, क्लियर है। सबसे इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एंगल्स को फाइंड आउट करना है, एंगल्स को फाइंड आउट करते ही उनकी वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 से हम लोग करेंगे, जिसमें वो कॉस की वैल्यू दी हुई है, कॉस की फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 24, दिस इज ए प्लस बी
cos की फॉर्म में दिया हुआ है, cos a plus b is equal to 1 by 2 is equal to sin a minus b. Then find the value of a and b when it is given a plus b and a minus b are acute angle. ठीक है, तो यहां पर आपको ये गिवन है और एक चीज और गिवन है कि जो a plus b है और आपका जो a minus b है वो भी क्या है, दोनों ही एक्यूट एंगल है, दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल है. तो यहां पर इस क्वेश्चन में चलेंगे, दोनों ही क्या है आपका, एक्यूट एंगल है. तो यहां पर अगर आप बात की जाए तो उसने सिंपल सी चीज ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पर cos a plus b जो है वो 1 by 2 के बराबर है और sin a minus b है वो भी 1 by 2 के बराबर है. तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को लेकर चलेंगे. ठीक है, पहले फर्स्ट टू टर्म्स को लेंगे. तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि जो cos a plus b है बेटा वो आपका 1 by 2 है क्योंकि ये बराबर है. तो cos की वैल्यू 1 by 2 में आपकी कब आती है ये आपको फाइंड आउट करना है. आपको पता है कि अगर cos की बात करते हैं तो cos a plus b is equal to cos 60 degree जो होता है वो आपका किसके बराबर होता है, 1 by 2 के बराबर होता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, a plus b क्या हुआ आपका 60 डिग्री हो गया क्योंकि cos से तो cos कैंसिल हो गया. तो यहाँ पर पहला प्रूफ होता है हमारा कि जो a plus b है ये क्या है, एक्यूट एंगल है. उसने क्या किया था कि a plus b और a minus b दोनों एक्यूट है, ये आपको प्रूफ करना था. तो ये पहला प्रूफ हो गया क्योंकि इट्स लेस देन 90 तो ये एक्यूट एंगल है. उसके बाद दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है sin a minus b is equal to आपका क्या है, 1 by 2 है. अगर साइन की बात करते हैं तो बेटा वी नो वेरी वेल कि जो साइन की जो टेबल होती है उसमें साइन 30 डिग्री जो होता है वो आपका क्या होता है, 1 by 2 होता है. तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो गया, a माइनस b आपका क्या हुआ, 30 डिग्री आ गया. तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन में ये भी प्रूव होता है कि जो a माइनस b है वो आपका 30 डिग्री है, लेस देन 90 है तो ये भी आपका एक्यूट एंगल है. तो यहाँ पर आपने दोनों को प्रूफ कर दिया. होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा और आपके डाउट भी क्लियर हो रहे होंगे. जिस बच्चे ने भी प्लीज बेटा मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस नहीं मिलेंगे और आपकी जो कंटिन्यूटी है चैप्टर की वो टूट जाएगी. आप ध्यान से पूरे वीडियोस देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. लेकिन वीडियोस देखने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है. तो कीप वॉचिंग मी. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आज का सेशन का एक और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 25 है सेम एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, गिवन है आपका अंडर रूट 3 tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1 है. क्वेश्चन नंबर है आई थिंक 25 क्वेश्चन नंबर है ये आपका. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 5 थीटा आ गया है, तो 5 थीटा मींस ये बोलता है कि अगर थीटा की वैल्यू जो भी होगी वो 5 टाइम्स हो जाएगी. मतलब अगर थीटा 10 है तो 10 इंटू 5 मतलब 50, tan 50 है वो. ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको. 5 थीटा को एज अ एंगल लेके चलना है. 5 थीटा सिर्फ थीटा एंगल नहीं रहेगा, यहाँ पर 5 थीटा आपका एंगल रहेगा. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर सबसे पहले tan 5 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 आप यहाँ पर लिखेंगे. जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं हमेशा कॉन्स्टेंट एक तरफ और आइडेंटिटीज एक तरफ. उसके बाद हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो 10 के टेबल में अगर बात की जाए 1 बाय रूट 3 की, तो 10 30 जो होता है वो आपका 1 बाय रूट 3 होता है. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 10 30 लिख दिया. क्लियर है, सिंपल सी चीज जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं. उसके बाद आपका क्या हुआ बेटा, 10 से आपका 10 क्या हुआ, कैंसिल हो गया. उसके बाद हम किसको कंपेयर करते हैं, सिर्फ किसको कंपेयर करते हैं, एंगल्स को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ, 5 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो यहाँ पर थीटा जो होगा क्या होगा, 30 डिग्री बाय 5 हो गया और थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, 6 डिग्री आपका आंसर होगा. क्लियर है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे क्वेश्चन में. अगर कुछ भी आपकी चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो उसको आपको ऐसे ही रखना है और उसको एंगल लेके चलना है. तो होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा.
जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग मी, थैंक यू, बाय बाय।